हे भगवान, मिरर देख लो भाई। नॉर्थ ईस्ट कवर करना है, हरियाणा से आ रहे हो? फाइनली 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 आई एम इन असम गाइस। इतना जल्दी कैसे आ गए? हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलीगुड़ी। दिस इज अमन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी फिलहाल मैं हूँ सिलीगुड़ी में और आज है 16 अगस्त एंड आज का प्लान है अपना यहाँ से निकल करके गुवाहाटी जाने का। भाई कल एकदम मस्त राइड हुआ और इतना ज्यादा मस्त राइड हुआ ना कि बिल्कुल ही हम लोग बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। थकान हमारे चेहरे पे अभी भी दिख रही है। आज मेरे को ना 450 किलोमीटर कवर करने हैं। अब पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सुबह में निकलने का प्लान किए थे 6 बजे, बट अभी कितने बज रहे हैं? 7:56 अभी हो रहे हैं गाइस। मतलब ऑलरेडी 2 घंटा हम लेट हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह भी करेंगे सबसे पहले। यहाँ पे ये परोठा है, इधर पे आलू का कुछ है, इधर पे ये लड्डू है एंड मिठाई वगैरह, इधर पे चाय भी आया है। बैग मैंने पैक कर लिया, बस बाइक के ऊपर टाई करेंगे और छुमंतर गायब हो जाएंगे यहाँ से। गाइस यहाँ पे देखो फ्रेम में कौन है, रियो। ये देखो गाइस, ये रियो है। एक्चुअली 6-7 महीने पहले ना ये बहुत छोटा था। रियो रियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, घूमता रहता है। रे भाई, बस 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 बस, हो गया खत्म। ठीक है भाई, चलो बहुत जल्द मिलते हैं एंड सरप्राइज वाले दिन मिलते हैं। अभिषेक भाई एक सरप्राइज देने वाले हैं गाइस। लेट्स गो बेबी, लेट्स गो। एंड भाई, जो सिलीगुड़ी से असम तक का रास्ता है ना, वो एकदम चॉकलेटी रास्ता है। मक्खन वक्खन नहीं, एकदम चॉकलेटी रास्ता है, जैसा कि अभिषेक भाई ने हमको बोला है। इधर से अपने को लेफ्ट लेना है भाई। ओ भाई, देखो घर से निकलते पूरा हरियाली हरियाली, वो चाय पत्ती वगैरह होता है ना, उसका पूरा इधर पे खेती हो रखा है। दूर दूर तक पूरा ऐसा ही बगान है। जब मैं कल हाईवे से राइड कर रहा था ना, तब भी ऐसा बहुत सारा बगान मेरे को देखने को मिला था। कल वाला दिन पूरा मैं इधर पे स्पेंड किया ना भाई, मजा ही आ गया। बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे। और ऐसा है ना कि यहाँ से ना 100 किलोमीटर के अंदर में ना बहुत सारे छोटे मोटे खूबसूरत जगह है, एक से एक, जहाँ जाकर के एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हैं, घूम सकते हैं। बाकी हमारे पास तो सिर्फ एक ही दिन टाइम था हाथ में, इसीलिए सिर्फ एक ही जगह को एक्सप्लोर कर पाए। इधर पे मेरे को कहीं पे रेड लाइट तो दिख नहीं रहा भाई, बट ऑटो वाले अंकल इधर पे रुके हुए तो मैं भी रुक गया। यहाँ से अपने को एक यू टर्न लेना है एंड यहाँ से अपना हाईवे वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है। मेरे को तो भाई ऐसा लगता था ना कि सिलीगुड़ी में कोई बड़ा मॉल वगैरह नहीं होगा, बट मैं भाई कल देख लिया भाई, क्या मॉल था, क्या खूबसूरत मॉल था यार, मजा ही आ गया देख के। एंड यहाँ से अपने को हाईवे से लेफ्ट ले लेना पड़ेगा। जो सीधा रास्ता है वो कहाँ जा रहा है पता नहीं, बट ये वाला लेफ्ट वाला रास्ता जलपाईगुड़ी कुछ बिहार के तरफ जा रहा है एंड अपने को यही वाला रास्ता कवर करना है। एंड भाई यहाँ पे देखो एक्सपल्स पे, मस्त भाई मस्त। देखिए कि असली मजे तो भाई उठा रहे एकदम खड़े वड़े होकर के बाइक पे, पूरा ऑफ रोडिंग कर लेंगे, पूरा मजा उठाएंगे, पूरा एडवेंचर करेंगे भाई। भाई साहब, ये ट्रक वाले ने भाई को चाप दिया था। हे भगवान, मिरर देख लो भाई। मैं तो भाई के पीछे ही ना था, भाई 110 पे थे, उसके बाद फिर पीछे से ना वो गाड़ी एकदम से राइट चप लिया ट्रक वाले अंकल ने, पीछे मिरर में देखा नहीं, मतलब जान ही चली जाती भाई भाई की तो। एंड गाइस, ये रहा हमारे आज के डे का पहला टोल गेट, पानी कौड़ी टोल प्लाजा करके लिखा हुआ है ये कुछ। इस तरह के रास्ते मिल गए ना तो मजा ही आ जाएगा। गूगल मैप से भी फास्ट आज मैं पहुँच जाऊँगा, बिकॉज भाई इस तरह के रास्तों में भाई 100 पे क्रूज कर रहा हूँ मैं एकदम भाई मस्त। ओ भाई साहब, यहाँ पे देखो हाईवे के बगल में कितना बड़ा चाय का गार्डन है यार, बहुत सारे लोग इधर पे काम कर रहे हैं, तो मैं इधर पे ढूक आया, देखते हैं क्या हो रहा है इधर पे। तक जितना बड़ा गार्डन है ना, उतने सारे लोग उधर पे सारे हैं। राइट साइड में ये छोटे छोटे जो पौधे हैं ना, ये भी सारे चाय वाले ही पौधे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कौन सा प्राणी कहाँ से आ गया, हेलमेट कैमरा वैमरा पूरा राइडिंग गियर्स वियर्स पहन करके। ये देखो कैसे घूर घूर के देख रहे हैं सारे मेरे को। ये लोग बोले कि इन लोगों का ये डेली का काम है, मतलब डेली इधर पे आते हैं, चाय की पत्ती तोड़ते हैं और फिर कहीं पे सप्लाई करते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे देखो राइट साइड में मेरे को क्या दिख रहा है यार, हाथी। पहली बार भाई मैं हाथी रोड पे देख रहा हूँ, क्या मस्त है भाई, कितनी बड़ी है। अंकल भाई खतरनाक भाई। बचपन में एक बार मैं फैमिली के साथ में जू गया था, वहीं पे मैं हाथी देखा था, उसके बाद मेरे को तो हाथी कहीं दिखा ही नहीं, अभी मेरे को रास्ते पे दिखा हाथी, यार सच में मजा आ गया यार। एंड गाइस, यहाँ पे देखो कितनी सारी कार खड़े हैं यार, सारे पे रेड नंबर प्लेट है। अरे ये दूसरे जगह से आए, आई थिंक नेपाल का नंबर प्लेट होता है रेड, नेपाल की साली गाड़ियाँ है ये वाली। गाइस यहाँ पे ना ट्रक का बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ है, पूरा ऑरेंज होकर के रखा है गूगल मैप में। पता नहीं सामने क्या हुआ, एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा। और यहाँ पे एक साइकिल वाले भाई, हरियाणा टू नॉर्थ ईस्ट, लगेज वगैरह बांध लिए एकदम साइकिल पे। नॉर्थ ईस्ट कवर करना है, हरियाणा से आ रहे हो, चला के आ रहे हो? ट्रेन में सिलीगुड़ी तक लाए? अभी कहाँ से चल रहे हो?
तो मैं बॉर्डर से इस तरफ ना एक ढाबा था वहाँ पर रुका हुआ था रात भर, फिर उधर से चल दिए। तो आज पहुँच पाओगे क्या? कहाँ? गुवाहाटी? नहीं नहीं मेरे को गुवाहाटी नहीं, बस जहाँ शाम तक चला गया जितना, फिर उधर रुक जाओगे? हाँ वहाँ ढाबे पर खाना गया, कहीं कैंपिंग कर ली या ढाबे पर ही सो गए। आप पंजाबी हो ना? हाँ। क्या नाम रहा आपका? मेरा जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, अच्छा चलो बहुत बढ़िया है। कहाँ से? मैं कोलकाता। चलो आराम से जाना, बाय 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 बाय। एंड ये ट्रक का लाइन पता नहीं कब खत्म होगा, कितना लंबा ट्रक का लाइन है। अगर जो गाइज अभी का टाइम अपडेट दूँ आप लोगों को, तो अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। इधर पे वो छोटा वाला ब्रिज है ना, वो शायद से खराब है बोल करके इधर पे पूरा लाइन लगा हुआ है। बाकी इधर से तो रास्ता फिर से एकदम से अच्छा हो गया है। रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है। पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। एक्चुअली गाइस ये इसके ऊपर लोड होकर के जा रहा है। बाय द वे गाइस अभी ना बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं फाइनली। यार मेरे को नहीं लगा था कि मैं इतना जल्दी इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लूंगा। सिलीगुड़ी टू आसाम जाने वाला ये रोड इतना ज्यादा अच्छा है ना कि मतलब पता ही नहीं चल रहा है कब मैंने 370 किलोमीटर कवर कर लिए है। अब ज्यादा किलोमीटर नहीं बचा है, होप करते हैं कि सनलाइट में गुवाहाटी जाकर के पहुंच जाएंगे। एक घंटे पहले मैं बोंगाई गांव क्रॉस किया था, तो वहां पे क्रॉस करने के बाद मेरे को एक अच्छा सा होटल दिखा, तो वहां पे मैं लंच वंच भी कर लिया था। एंड अभी का टाइम अपडेट जो हो रहा है वो 4:30 हो रहा है, मतलब शाम के 4:30 बज चुके हैं। अब आधे एक घंटे में गुवाहाटी एंटर कर जाएंगे। गाइस फाइनली मैं आसाम पहुंच ही गया यार। A few moments later. So guys, finally, I am in Assam. Guys, देखो यार आसाम आकर के पहुंच ही गए आखिरकार अपनी अरुण भाई V4 को लेकर के। यानी ये आसाम का फेमस ब्रिज है। इस ब्रिज का नाम मेरे को तो ऐसे पता नहीं है, बट ये फेमस है। मैं बहुत बार इस ब्रिज को देखा हूँ, इसलिए मैं इसको फेमस ब्रिज बोल रहा हूँ। नीचे से कोई तो एक रिवर बह रही है, बाकी उधर पूरा माउंटेन 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 है। एंड भाई सिटी के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले इसमें रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा सा भी फ्यूल नहीं बचा और ये ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक करते करते मैंने 30-35 किलोमीटर इसको खींच दिया है। ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड जाने पे गुवाहाटी शहर मिलेगा, कामाख्या मंदिर मिलेगा, चांदमारी मिलेगा, इसीलिए अपन लेफ्ट ही लेगा क्योंकि हमको मेन सिटी के अंदर एंटर करना है। और ये रास्ता जो ऊपर से चली जा रही है ना, वो पता नहीं मेरे को किधर जा रही है, बट अपने को सिटी में एंटर करना है, इसीलिए मैं नीचे वाला रास्ता ले लिया। सो गाइस इधर पे लेफ्ट साइड में एक HP का पेट्रोल पंप है, इधर से पूरा फुल टैंक कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली गुवाहाटी आकर के पहुंच गए थे और यहां पे आते ही देखो कौन मिले हमें। हेलो एसबीएन भाई, कैसे हो? इतने दिनों के बाद लास्ट कोलकाता। हाँ भाई बहुत बढ़िया से भाई ने कोलकाता जाते थे हम लोगों को घुमाया। भाई कैसा लगा सबसे पहले ये बताओ? रास्ता बहुत ही बढ़िया था, मतलब मेरे को जो लगा था ना 450 किलोमीटर कवर करने में 12-13 घंटा तो लगेगा ही। भाई 10:30 मेरे को मैसेज किया, मैं सिलीगुड़ी से निकल रहा हूं, मेरे को लगा 8-9 बजे पहुंचेंगे, 5 बजे आगे पहुंच गया। हां मैं इधर पेट्रोल पंप में आया, आकर के एसबीएन भाई को फोन किया, भाई मैं आ गया हूं। बोलते हैं इतना जल्दी कैसे आ गए? अच्छा रुको आता हूँ। फिर भाई आए तो अभी इधर पे आकर के रुके हैं, देन अपना डिनर वगैरह सब कुछ लेके आ गए हैं, तो इधर पे खाना पीना और सोना है। बाकी भाई कल का क्या प्लान है बता दो थोड़ा। कल के लिए गाइस हम लोग निकल रहे हैं तेजपुर के लिए अपन आसाम। 3-4 दिनों का उधर का प्लान है, कल तेजपुर जाकर के पहुंचना है, उसके बाद और कुछ कुछ जगह जाना है। हाँ भाई तो क्या क्या नाम बोले मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, खुद ही प्लान करके रखे। शिलोंग भी जाना है प्लान के हिसाब से, और सबसे खास बात इधर पे बाइक रैप भी होगा, तो मॉडिफिकेशन अलग लेवल पे पहुंच जाने वाला है। यहाँ पे हमारे RDC भाई, हमारे गुवाहाटी पर कैसे हो ये बताओ सबसे पहले। एकदम बढ़िया झकास, और आपको मजा आएगा यहाँ का जर्नी करके, एकदम बढ़िया। तो चल रहे हो कल हमारे साथ? देखते हैं प्लान बनता तो जरूर आएंगे। फिलहाल खाते पीते और सोते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो ब्लॉग को करना है लाइन है गाइस, और चैनल पे रहते चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और कमेंट भी करना गाइस, कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर एंड बाय 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 बाय।